आगे आते हैं इनिशिएटिव्स फॉर एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इस उद्यम के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सपोर्ट में लगे हुए हैं इन इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप कैन प्रूव एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एड्रेसिंग द मेजर प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी तो गरीबी से निकलने के लिए और बेरोजगारी से बचने के लिए एक बहुत बड़ा जो एक काम है ऑन्टरप्रेनियोरशिप कि आप उद्यम से जुड़ सकते हैं किसी ना किसी तरीके से तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड ऑन्ट्रेन्योरशिप यानी एम ये आपकी सपोर्ट में है 2014 से इट स्टार्टेड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ़ स्किल डेवलपमेंट जहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात हुई है ऑन्टरप्रीनियोरशिप के लेवल पे आकर के तो 2014 में मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज़ हुई और मिनिस्ट्री ने स्किल्स को लेकर के इंक्लूड हुई जैसे एन एस तो ये कुछ एजेंसीज़ हैं जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो आपके बिजनेस को स्टार्टअप करने में आपकी हेल्प करते हैं इसी तरीके से नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 2015 तो यहाँ पर नेशनल पॉलिसी की भी बात हुई जैसे आल्सो रेफर टू एज द प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान आपने देखा भी होगा आजकल आप सुनते भी होंगे अपने आसपास की बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं जहाँ आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है यानी वही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जहां पेड पैसे लेकर के आपको शिक्षा देते थे वही ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो वही इंस्टीट्यूशन आपको फ्री कोचिंग दे रहे हैं आपको फ्री में वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड भी कराते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं जॉब दिलाने के लिए मौका भी देते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है और आजकल के समय में 2019 की अगर हम बात करें इस एरा में स्टार्टअप से लें अगर मई के बाद से तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस है कि आप किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करें और अपने बिजनेस में आप आगे बढ़े ऐसे यहाँ पर एन की बात हुई द मिशन वॉज लॉन्च इन टू हैज बीन डेवलप टू क्रिएट कन्वर्जेंस एक्रॉस सेक्टर्स एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज यानी बात आ रही है स्किल इंडिया का जो विजन है वो 2015 में ये शुरू हुआ और एन एस डी एम यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन हैज नॉट ओनली एंड कोऑर्डिनेटेड स्किल एफर्ट्स तो पर आपकी स्किल्स के लिए बाकायदा काम होता है इसी के पार्ट है आपका मेक इन इंडिया कि आप इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इन ट्वेंटी फिफ्थ सेज मल्टीनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इनिशिएटिव इज टू फोकस ऑन जॉब क्रिएशन स्किल एनहांसमेंट इन ट्वेंटी फाइव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी तो व्यापार के क्षेत्र में अर्थ के क्षेत्र में पच्चीस ऐसे मेजर ऑब्जेक्टिव सेक्टर्स रहे जिसमें आपके लिए स्किल्स डेवलपमेंट के तौर पर बहुत सारी जॉब्स को पैदा किया गया आपके लिए सीखने के अवसर पैदा किए गए ऐसे ही आपका स्टार्टअप इंडिया द मेन एम ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज टू एनकरेज ऑन्टरप्रीनियोरशिप अमंग द यूथ ऑफ इंडिया द स्टार्टअप इंडिया ये वो एक प्रोसेस है जहाँ पर आप बैंक से किस तरीके से फाइनेंस लिए आप हेल्प ले सकते हैं आपको लोन मिलने में आसानी होगी आपके बिजनेस के आइडियाज को सुनकर के गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी अटल इनोवेशन मिशन एम है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ एम प्लेटफॉर्म एंड वॉज इस्टेब्लिश थ्रू टू थाउजेंड फिफ्टीन बजट विद इन नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो ये नीति प्रोवाइड ने इसने किया है कि और किस तरीके से ये आपको सपोर्ट करेगी एंड ड्रॉइंग अपॉन नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि यहाँ पर आप किस तरीके से नया इनोवेशन कर सकते हैं यानी पुराने बिजनेस में आप क्या कुछ नया पन ला करके अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकते हैं हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ सैवरल इनिशियटिव टेकन बाई द गवर्नमेंट ऑनटरप्रन्य स्टिल फेस सर्टेन प्रॉब्लम लाइक मोटिवेशनल चैलेंजेस इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो वो कुछ प्रॉब्लम यहाँ लिखी कि मोटिवेशनल चैलेंजेस यानी एक सपोर्ट देना लैक ऑफ़ फॉर्मल एजुकेशन ऑन्ट्रप्रीनियोरशिप की फील्ड में लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस पैसों के रूप में परेशानी होना टेक्निकल नॉलेज का ना होना मैनेजल स्किल्स यानी सब कुछ होने के बाद भी मैनेज करना प्रबंधन करना अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स रिसोर्स कहाँ से आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज होगा ऑन्ट्रप्रेनोरशिप की नई नई जो स्कीमें आती हैं उनके बारे में अवेयर रहना तो ये कुछ बातें हैं जिन सब बातों पे अभी भी समस्या कहीं ना कहीं रहती है ऑन्ट्रप्रशिप एंड सोसाइटी

द डेफिनेशन ऑफ द टू कॉन्सेप्ट शोज क्लियरली दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू दो लोगों के बीच में यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है द ब्यूटी ऑफ ऑन्टरप्रनोरशिप इन अ सोसाइटी इज दैट एज बिजनेस प्रोस्पर द इम्पैक्ट द बिजनेस क्रिएट ऑल्सो इनक्रीज इट इज ड्यू टू एंट्रप्रनोरियल एक्टिविटी दैट द सोसाइटीड विद गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म सोसाइटी प्रोवाइड मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो ये वही सोसाइटी है जो आपके ऑन्टरप्रेनरशिप को डेवलपमेंट देती है बढ़ावा देती है ऑन्टरप्रेनरशिप हैज सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी समाज के ऊपर भी इसने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े हैं जैसे हम कह सकते हैं कि एक्शुएट इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला है पोस्टर्स क्रिएटिविटी नए प्रकार के विचार आए हैं नई इनोवेशंस आई हैं स्टिमुलेट इनोवेशंस एंड एफिशिएंसी किस तरीके से शुरुआत की है एक नए चीज़ों को लेकर के चलने के साथ में और उसको सरलता के साथ लेकर चलने के साथ में बहुत सारी जॉब्स आई हैं अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा घटा है समाज की समस्याओं को भी दूर किया गया है सोसाइटी ने भी इसको सपोर्ट किया है सोसाइटी प्लेज अ रोल इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप बाय तो सोसाइटी भी कैसे रोल प्ले करती है इसको बढ़ाने के लिए वो अपनी ज़रूरत पैदा करती है फिर अपनी डिमांड करती है रो मटेरियल्स भी ये समाज प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है पॉलिसीज़ के बारे में भी बताता है और धीरे धीरे हम नेटवर्किंग से जुड़ते चले जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सपोर्ट हमें मिलती है सोसाइटी से तो ये सब कुछ होकर के जो दोनों चीज़ें बताई गई कि एक बिजनेस है और सोसाइटी है समाज और व्यापार उद्यम और व्यापार उद्यम या सोसाइटी की बात करते हैं तो दोनों मिला किस तरीके से दोनों का कोरिलेशन है यहाँ पर वो बताने की कोशिश की गई है